सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायने कलायि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे सदादनम् मया तवैव सेहराप्यम्बास्तिः प्रकाश्यते। श्री दुर्गा सप्तश्लोके तोकमन्त्रस्य नारायण ऋषिः परमष्टव छन्दः श्रीमा काले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पादे विनियोगः। ज्ञानी नाम विजयतांसि देवे भगवते सा बलागाकृशमोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हरतिभेदमशयजन्ता स्वस्ते स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदण्ड्या सर्वोपकारकरणाय सदा सचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनात् परित्राणपरायणे सर्वस्याद्य हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैभवस्वामिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहांसदृष्टा दृष्टा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां स्वामाश्रिताया शतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शरणाम प्रवक्ष्यामि शरश्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वि भवीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारणे चित्रा चण्डदण्डा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्न प्रिया सदा
सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णानेकवर्ण च पाटला पाटलाभरे पट्टाम्बर परिधारा कलमञ्जेर रञ्जने अमे अविक्रमाकुरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा पुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराहे लक्ष्मे च पुरुषाकृते विमलाकर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्ब शुम्बहनने महिषासुरमर्दने मनोकैरवहन्ते च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकाशस्त्रधारणे कुमारी चैकन्या च केशरे यवधेयतेः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारब्धमुखे कालरात्रे तपस्विनि नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलोदरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदम् प्रपद नित्यम् दुर्गा नाम शदाशकम् नासाख्यम् विद्यते देवे दिशो लोकेश पार्वते धनम् धान्यम् सुतम् जायम् अयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् गता चन्दे लभ्यन्मोतिम् च शाश्वते कुमारी पूजयित्वा तु ज्ञात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजे परया भक्त्या पठे नाम शराशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासताम् यान्ते राज्यश्रियम् वाप्नुयात् गोरोचनालप्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिक्रयङ्गम् विदिना विजज्ञ भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे षद्भिषाङ्गते विलिख्य प्रवटे स्तोत्रम् स भवेत् सम्बदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अथ श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासोकमातरा वेद देवान्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा वेद्यथ सप्तशते पाठाकत्वेन जपेऽभिनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जगुयं परमं लोके सर्वरक्षाकरमिणां जनकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहे पितामहः ब्रह्मोवाच
सर्वभूतापकारकम् देव्यासौकवचम्पन्नम् तश्वनश्व महामने प्रथमम् शैलपुत्रे च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणे तृतीयम् चन्द्रकण्डते कुष्मादेत चतुर्दकम् पञ्चमम् सन्दपादेते षष्ठम् कात्यायनेति च सप्तमम् कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिरात्रे च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणम् गताः नाथेषाम् जायते किञ्चित् अशुभम् रणसङ्कटे नावदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् न हि ये तु भक्त्या सुदानूनाम् तेषाम् वृद्धिः प्रजायते एताम् तरन्ति देवेषे रक्षसेतान् संशयः वेद सन्तातु चामुन्ना वारायी मयि शासना एन्द्रियसमारूढा वैष्णवी करुणासना मारेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी परमहंसारी प्रिया श्वेतरूपा जरा देवी ईश्वरी वृषभाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतावादरा सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाद्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्तरसमारूढा देव्या गोधसमाकुलाः शङ्खम् चक्रम् गदा शक्तिम् हरम् च मुसलायुधम् केनकम् तोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् दुशूलम् च शारङ्गमायुधमुत्तमम् नित्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानितम् देवानाम् जीताय मे नमस्यतु महारत्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महाभयविनाशने राहि माम् देवि दुष्पेश शत्रूणामयवर्धने प्राचारक्ष मामेन्द्रे अग्नयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराणि दैत्याङ्गगधारिणि हृदि चावारुणि रक्ष वायव्या मृगवाहिनि हृदि चापातु कौमारि यशानां शूलधारिणि ओटम् ब्रह्माणि मे रक्ष दैशवे तथा एवम् दशो रक्ष चामुण्डा शवाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिण च पराजिता शिरामुद्योगने रक्ष रुमामोषेदमस्थिता पाराधरी ललाट च भुव रक्ष शस्वने त्रिवेता च भुवोर्मध्ये यमखण्डा जनासिके शङ्कने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतिहोद्वारवासने कपोलकालिका रक्ष कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोक्षे च चर्चिका अगरे च मृकला युवायाम् च सरस्वते दण्डारक्षकौमारे दण्डदेशे तु चण्डिका दण्डिकाम् चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चुकम् रक्ष वाचम् मे सर्वमङ्गला देवाया भद्रकाले च वृषभक्ष धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकाम् नलकोभरे सन्ध्यागणे रक्ष बाहु मे मध्यधारणे हस्योदण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गलेषु च नगाश्वरेश्वरे रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरे स्वरक्ष महादेवे वनाशोकविनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शूलधारणे नाभोजकामणे रक्ष भूयम् भुवेश्वरे तथा
पूतना कामिका मेदन बुदे महिषवाहिनी कत्यां भगवती रक्षय जानुरे व्यंजवासिनी जंजय महामहारक्षय सर्वकाम प्रदायिनी भूतया नारसिंहिता पादप्रेषय हृदयजसे पादान्तरेषु श्रीरक्षय पादारस्तरवासिनी जगानष्टाकराणि च केशांशोदकेशने रोमकूपेषु कोबेरे त्वजम्बाजेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामाक्षाण्यस्ति मेदांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मूलेश्वरे पद्मावति पद्मकोशे कवे चोडामणे तथा ज्वालामुखेन भज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मेलक्ष्य छायां सत्येश्वरे तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्याणं पुराणं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे जगन्द्रे च शब्दे सर्षयोगने सत्त्वं रणस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्ष महाराये धर्मं रक्षत वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्षत भैरवे पन्थानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षायेनां दुःस्थानां वर्जितं कवचनतो सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशिनि फलमेकं न गच्छेदो जले च शुभमात्मनः कवचेनादृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रात् लाभ च विजया सार्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमदलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्य पूज्या कवचेनामृतापवान् इदन्तो देव्याः कवचं देवानामव दुर्लभम् यापनप्रतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सद्यान्वितः देवी कलापवे तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवर्षणं साग्रमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे भूताभिस्फाटकादयः स्थावरं जङ्गमं जैवकृत्रिमं जाविजद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचरा चैव जलजा चोपदेशिका सरोजा माला डाकरेशा गणे तथा अन्तरिक्षा जरा घोरा डाकिन्नश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माणा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न देववैराग्यस्तेजावृत्तिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डलभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलपणकाननम् तावत् तिष्ठति मे धन्यां सन्तते पत्रपात्रके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह भारते ॐ अथर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा पीतये
सदे पाणांगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ चण्डिमङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमाशिवाधात्रे स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्ड जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैरवेद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि रक्तबीजावदे देवे चण्डभण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि शुम्भक्षेवण शुम्भस्य धूम्राक्षस्य रमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि वर्धिताङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि भजिन्दरो भजरित सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि नव्यभ्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्तापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि सुमध्यावध्य पूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि चण्डिके सततं जयत्वम् अर्चयन्त्यः भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि विदेहि दुष्टनाशं विदेहि बलमच्छकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि सुरासुरशिरोरत्नाधिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि विद्यावन्तं च शश्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि प्रचण्डदैतदर्भर्णचण्डिगयफलदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि कृष्णेण संस्तुते देवे शशभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि देहि दशो जहि हिमाचलसुदानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि इन्द्राणि परिसर्वाव पूजित परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि देवे प्रदण्डदण्ड दत्तदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि देवि भक्तरोदामदत्तानन्ददयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणीं कारणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठन्नरः साधु सप्तषदि सङ्ख्या परमा करोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्दस्य शिवादिषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमा सरस्वते देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः
ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय दिव्य दिव्य चक्षुषे श्रेयाप्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाद धारिणे सर्वमेतद्ध्याने मन्त्राणामभिकीलकम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सततं यात्र दत्तः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुखदां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रणौषधं तत्र न किञ्चिदविद्यते विना जातेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि मामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायासो तच्च गुप्तम् चकारः समाप्तेन न पुण्यस्यता यथा वर्णियन्त्रणा सोऽभिक्षेमाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णाया पाचदशमष्टम् व्यावा समाहितः जलादेरणादे नानभेषा प्रसेदते इत्थम् रूपेण केलेन महादेवेन केलितम् यो निश्चिलाम् विनायेनाम् नित्यम् जगति संस्कृतम् सिद्धावसगणासापि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापृतस्तस्य भयम् क्वापि न जायते नाभमित्वशम् याति मृता मोक्षमुवाप्या ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाण विनश्यति त्वयो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते भृतैः सौभाग्यादिजत्किञ्च दृश्यते ललनाशने तत्सर्वम् तत्प्रसारेण तेन जप्यमिदम् शुभम् क्षणेस्तो जप्यमाणेऽस्य स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येवासमग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसारेण सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुवाणि परो मोक्षः श्रूयते सा न किञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जय जय हे मय चातुर मर्दिनि रम्यक परिशैलसुते हय
तर विचार गुरे नम शिव दो जगदाधिपले दुर्दा दुरे हनुराशय दुर मद तारव दो जगदान मरे जय जय हे महिषा दुर मय दिन रक्षय दिन शैल सुरे हय जरना गद वैर बदो भर तीर बरा भय दाय करे शिव शिव चुंबन चुंब महावित भूत जागरते जय जय हे महिषा सुर रम्यक शैल सुते रंजन संग परे सुर संकर शंकर शर्कन शंकर धर्मक सिंह बटुगे जिन चतुरंग बरक्ष निरंग घट बहुरंग बटुगे जय जय हे महिषा सुर रम्यक पर दिन शैल सुदे जय जय नक्षर जय जय शब्द पर सुन तत्पर वेषण दे जन जन जिन्म जिंद दुरु पुर तारक संगर तारक धूल सुदे सुर समाधि
भक्तियाँ अभी अंत में कृष्ण भक्ति इस बार क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध प्रकारा सुरेश्वरी सच्चिया
ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करो शेरा वाली जी दा फूल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार रख के गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रखे का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माँ जयकारा शेरा वाली जी दा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। एवं भवती देवी सा नित्याभि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगता परिपालनम। ये भक्ति अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। ते तन्मोहिते विश्वम सेव विश्वम प्रसूयते सा जाचिताज विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। वे ही विश्व को मोहित करती वही जगत को जन्म देती तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं सिद्धि प्रदान करती है। व्याप्तम ते तत् सकलम ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी सुनिता। महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सैव काले महामारी सैव सृष्टि भक्तया स्थितिम करोति भूतानाम सैव काले स्नातनी। वे समय समय पर महामारी होती और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। स्नातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। भव काल निनाम सैव लक्ष्मी वृद्धि पराग्रह सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोग जायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। इसे भक्तों चाहिए कि सुधा संपूरिता पुष्पेर दुभगंधादि विस्तथा ददादि वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शोभाम। पुष्प धूप और गंधादि से पूर्ण करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा भूल सच्चे दरबार की जय। जभी जभी भी इस धरातल पर केवल हम ही भक्तों पर नहीं देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा दैत्यों पर भी जब कोई संकट का आदान पड़ा है और उस समय विशेष रूप से जब किसी भी देवी देवता ने उनकी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया है तो अंत में उन्होंने
इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध किया है। एक बार सत्यवती नंदन व्यास देव जी नदी के किनारे अपने आश्रम से जब समाधि अवस्था से उठे तो उन्होंने देखा कि गौरैया पक्षी का जोड़ा बड़े परिश्रम से दाना ला करके अपने बच्चों की चोंच में डाल रहा था, उनके पंखों को सहला रहा था। जब पक्षियों में इस प्रकार का व्यास देव ने प्रेम देखा तो मन में विचार करने लगे कि मनुष्यों में ऐसा प्रेम हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। और फिर उनका जो मन था वो अनायास अपने और चला गया और मन में सोचने लगे कि मैं तो संतानहीन हूँ। विचार करने लगे क्या ये पक्षी वृद्धावस्था में जो इनके बच्चे हैं इनकी सेवा करेंगे, क्या ये उनकी वधुओं का मुख दर्शन करने में सफल होंगे। और संतान के बिना वो कह रहे हैं कि मनुष्य की गति नहीं होती और विशेष करके विचार कर रहे हैं कि जब वृद्धावस्था में मृत्युशैया पर मनुष्य पड़ा होता है तो उस समय सोचता है कि मेरा इतना बड़ा घर है, इतनी संपत्ति है, इसका मालिक कौन है, और यदि संतान ना हो तो क्योंकि अंत समय में उसका जो मन है वो भ्रमित रहता है इसलिए उसकी गति नहीं होती है। इस प्रकार मन में विचार किया उन्होंने और संतान प्राप्ति के लिए वो मेरु पर गए और विचार करने लगे मैं गणेश की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, सूर्य की किसकी उपासना करूं। इसी उधेड़बुन में थे तभी वहां पर नारद जी देवयोग से पधारे और जिनका व्यास जी ने आदर सम्मान किया। उस समय नारद जी पूछ रहे हैं कि व्यास देव जी आप चिंतित क्यों हैं, तो व्यास जी बता रहे हैं कि मैं संतानहीन हूं और इसलिए विचार कर रहा हूं कि किस देवी देवता की आराधना करूं, शंकर भगवान, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश जी, सूरज जी, किसकी आराधना करूं, आप मुझे बताइए। उस समय नारद जी बता रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। जब उन्होंने भगवान विष्णु को समाधि अवस्था में देखा तो उनसे पूछा था कि महाराज आप किस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु से कहा उन्होंने कि मैं तो समझता हूँ कि आप ही सृष्टि के पालन करता, आप ही सृजन करता और आप ही संहार करता है, आपके द्वारा ही मैं शक्ति प्राप्त करके सृष्टि का सृजन करता हूँ, भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं, फिर आप किस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, मुझे कृपया बताइए, क्योंकि महान पुरुष अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। उससे भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ठीक है आप सोचते हैं कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, आप सृजन करता है और शंकर संहार करते हैं, परंतु किसी शक्ति के द्वारा ही हम ऐसा करने में सफल होते हैं। यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्यों लक्ष्मी का सुख छोड़ करके, गरुड़ का सुख छोड़ करके मैं राक्षसों के साथ युद्ध करता, तेरह योनियों में वराह मत्स्य इत्यादि योनियों में जो अवतार लेता। क्या आप भूल गए हैं विष्णु क्या है ब्रह्मा जी से कि मैंने जब सागर में, खीर सागर में 5000 वर्ष तक जो मधु कैटों के साथ युद्ध करके आपकी रक्षा की थी, क्या उस समय आपने उस शक्ति को नहीं देखा था। विद्वान लोग तर्कना करते हैं किसी शक्ति के आधार पर ही हम ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। जिस प्रकार आप में जो राजसी शक्ति है, मुझ में सात्विक शक्ति है, शंकर जी में तामसी शक्ति है, और उस शक्ति बिना हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनके नारद जी कह रहे हैं व्यास दीजिए कि महाराज आप भी उन्हीं शक्ति की आराधना कीजिए और इससे आपके घर में दीर्घ जीवी संतान पैदा होगी। तब व्यास देव जी ने इन्हीं देवी की आराधना की और फलस्वरूप आप जानते हैं कि गर्भ योगी सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त किए। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनि के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवल रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है,
कलिंग के उच्चारण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्ति आंटी तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी चे। 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शिरवली राय बोल सच्चे दरबार की जय। चढ़नी विया उच्चिया खाटिया हसी आए तेरे दीदार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए कोई गल लुकी नहीं
मोह ममता दी अग फड़क दी कोई जग बिच सुखी नहीं मोह ममता दी अग फड़क दी कोई जग बिच सुखी नहीं कोई होर ना दिसदा आसरा हुण कर दे ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ
झूठे सारे देख ले अजमा के मैं रिश्ते नाते झूठे सारे देख ले अजमा के मैं तेरे दर ते आन डिगामा सब तू ठोकर खाके मैं सब तू ठोकर खाके मैं तेरे दर से कान दिगामा सब तू ठोकर खाके मैं दिल दुखिया मेरा एहो चामदा छट देवा मतलबी संसार नू भरे भंडार दिल दुखिया एहो चामदा छट देवा मतलबी संसार जगदंबे शेरा वाले अज भोर दे भरे भंडार चढ़निया घाटियां हसी आए तेरे भरे भंडार चढ़ी मियाँ काटिया हसी आए तेरे दीदार हाँ कौन संभालेगा माँ तेरे बिन मुझ पापी दस कौन संभालेगा वे आसरे न माने पुतनू माँ बिन केड़ा हाँ कौन संभालेगा माँ तेरे बिन मुझ पापीनू दस कौन संभालेगा हे आशरे माने पुतनू माँ बिन केड़ा केड़ा पालेगा तेरे चरना
हरा शिरवली बोल सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंदर जी। जयकारा शिरवली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की भूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की भूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की भूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की भूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की भूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ। ओ नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की भूल हूँ मैं। फूल हूँ मैं भूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। थोड़ा सा गुण मिल जाए इतना सा धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए इतना सा धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए इतना सा धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए इतना सा धन मिल जाए। ओ मानो तुम्हारा उपकार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मानो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार भैया जी मेरी पूजा करो। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार मैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
ध्यान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। इतना उपहार दे दो, चरणों का प्यार दे दो, इतना उपहार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। इतना उपहार दे दो, चरणों का प्यार दे दो, इतना उपहार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। मानो तुम्हारा उपकार, मैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मानो तुम्हारा उपकार, मैया जी मेरी पूजा करो संग मिल जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति का रंग कुमार, भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, भक्तों का रंग मिल जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए। मानो तुम्हारा उपकार, मैया जी मेरी पूजा करो स्वीकार। Oh,
मैया जी मेरी पूजा करो निवार मैया जी मेरी पूजा करो दरबार की जय। एक घंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय कर श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा और मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। लग जाएगी
शुभ संब 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 12 प्रविष्ट है। कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। गुरुवार तदनुसार 25 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव श्री वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भवपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो,
जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौर मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय Come on.
ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਤੋੜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਤੋੜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਲੇ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਸੇ ਹੂੰ ਵਿਛੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਸੇ ਹੂੰ ਵਿਛੜਾ ਤੋੜਾ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੋੜਾ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਦਹਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਪੋਂ ਕਾ ਕਰਨੇ ਦਹਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਕਟ ਗਤਿ ਤੋਂ ਕੋ ਪਾਵ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਕਟ ਗਤਿ ਤੋਂ ਕੋ ਪਾਵ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਰਤੀ ਆਪ ਸਭੀ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਹੇ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਾਤਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਕਰ ਕਟਾਉਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਘਰੇ ਖੜਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲਾ ਆਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਦਾ ਭਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਥ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੰਗਲ ਜਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਕਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ
लक्ष्मी मैया भक्ति कुमारी हरे खजाने भरत कुमारी विद्या नंदी ज्ञान नंदी भक्ति नंदी भक्ति नंदी राजा अम्बे 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 राजा माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीय राज जने तृतीय स्मरण शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण महाराज पहलो सतगुरु लोकनाथ जान जय Thank you.
चक्रगदेशु चापरिदान शूलंब शुंडिं शिरा शंखं सांगदेन्द्रेति नयनं सर्वांगभूषाभृता नीलाशंधुतिमास्कपादशकां देवे महाकालिका व्यामस्तौ स्वपितेहरौ कमलजं हन्तं मधुमेतमम् अक्षासर्पर्शं गदेषु पुलिशं परमं दुष्कुण्डिकां कर्णं शक्तिमग्रन्थधर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने जलति हस्ते प्रसन्नाननां देवे देवमर्दने महिमः लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुपायकम् अवतादे गणान्तमिलसत् श्वेता चतुर्यप्रभा गौरी देव समुद्भवां त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वा मध्य सरस्वती मन्मये शुम्भादिजगत्री त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या जननं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविश्रान् गम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं अद्भुतं केशवं रामनारायणं कृष्णकान्तं वासुदेवं माधवं गोपिकाकरं हरे मुरारे मधुरे द्वारे गोविंद गोपाल किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा रहिनी पंच फुला रानी माता तेरी सदा रहिनी सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा रहिनी सारे संसार विशाल देने वाली माता तेरी सदा लोंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर भारत हो भारतवर भारत हो भारतवर भारत हो बोलो हर हर महादेव बोलो बाबा श्री जी जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी Thank you.
Thank you.